appendages or limbs are controlled. It is not so that we are willing to take our hand up to here, but it is going up to here. The movements are so controlled that we can appreciate the movements of a dancer or athletics, because everything is well measured. Things are so controlled. हम अपना हाथ यहाँ ले जाना चाहेंगे, यहाँ तक चला जाए खाने का, फिर हम सोचे यहाँ खिला दें, ऐसा नहीं होता. तो it is very controlled, even if it is dim light, then also our hand is habitual to go up to here, and as soon as hand goes here, then only mouth opens. It is not from here. It is not. It is so habitual, and it is also not so that food is going here. But mouth is denying to open. It is also not open. So our different body parts are coordinating with each other. It has never happened that when we have lift our first leg, then second also get lifted. So it has never happened, because our different limbs are getting coordinating with each other. When our this leg is rising, then this hand is rising to balance our body weight. So it is also so. So our movements are controlled and various organs are coordinated. And it is possible due to our nervous system. ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वजह से ही संभव हो सका है. So movements of our limbs are controlled, well controlled. हम जहाँ ले जाना चाहते हैं वो हमारे हिसाब से चलते हैं. वेल कंट्रोल एंड अवर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. लिम्स में लिख सकते हो बाहर के बाहर बाहर. लिम्स को क्या डिफाइन करेंगे? ठीक है, आर पड़े तो व्हाट एवर आर द अपेंडेजेस. इट हैज दीस आर अवर लिम्स. दीस आर फोर लिम्स. ये लिम्स यही है बस. चार लिम्स मतलब हाथ पैर. लिम्स आर कोऑर्डिनेटेड. लिम्स भी और ऑर्गन भी. जैसे माउथ है तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए किसी सिस्टम में. ये आगे के लिम्स हैं और ये पीछे के हैं. लेकिन किसी जानवर में भी फोर लिम्स और जो बैक हिंड लिम्स हैं वो टेट्रापोड है. तो चार पैरों वाला जंतु है. लेकिन हमारे लिए जो हिंड लिम्स हैं वो पीछे वाले लिम्स चलने के काम आते हैं, फोर लिम्स खाने के काम आते. तो हाथ को क्या कहते हैं? फोर लिम. और पीछे ये ठीक कह रहे हैं एंड लिम. ये पैर जैसे इन्होंने गजेंद्र ने कहा कि हमारे अगले पैर खाने के काम में आते हैं. अरे जिसके हाथ में बताया नहीं. सो प्रिसाइज. जबकि जानवर फिर भी लोगों ने समझ लिया. जानवर के जो चारों पैर हैं वो चलने के काम में आते हैं, जबकि हमारे अगले पैर we are evolved. So our that is the appendages. जो चीज बॉडी से बाहर आ जाए उसे कहते हैं appendages. And that is used for various work, kind of skilled work, and also for eating and other. सर four limb क्या है? एक बार बताओ. Four limb का मतलब है आगे के पैर. सर आगे के पैर. अब एक जगह तुम्हारी सुई अटक जाती तो पढ़ने नहीं. Various body organs are coordinating with each other. With each other. तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि control and coordination. So this control and coordination is possible due to our nervous system. This control. Sir, due to our neurons, ले सकते हैं? Yes, and coordination. कोऑर्डिनेटिंग पे लाइन बनानी है. हाँ, कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल ड्यू टू अवर सेंट्रल अवर नर्वस सिस्टम. हो गया सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम. देयर इज
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो वजहों से होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक तो नर्वस सिस्टम है और दूसरा कैसा है, हार्मोनल सिस्टम। तो ब्लड में तरीके तरीके के हार्मोन्स मिलाए जाते हैं। जब हम अपने बुक का इसी चैप्टर का आखिरी पेज का डायग्राम देखेंगे, उसमें एंडोक्राइन ग्लांड्स भी हैं और एक्सोक्राइन ग्लांड्स भी हैं। तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट करती हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये देखो ऐसा बना हुआ है कि नहीं, एंडोक्राइन ग्लांड्स एंड एक्सोक्राइन, तो हम उसे भी देखेंगे। एक है नर्वस सिस्टम देखेंगे, और दूसरा क्या है बताइए, हार्मोनल सिस्टम। बात हो गई। ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब देखेंगे तो इस तरीके का हम एनिमल में देखेंगे, क्योंकि प्लांट्स आर नॉट वेल मेच्योर टू हैव नर्व्स। प्लांट्स में नर्व्स नहीं होती, ये किसमें होती हैं, एनिमल्स में। लेकिन फिर भी हमारे पास दो तरीके का है। एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपने किसी चीज को छू लिया, इधर देखो माइंड, एक पेरिफेरल पेरिफेरी पर मौजूद है, हमने छू लिया तो हाथ हट गया। और एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हाथ पैर में अगर कुछ छू लिया तो पैर हट गया, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इटसेल्फ इज सब डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, हार्मोनल सिस्टम में दो अलग अलग सिस्टम है। कुछ प्लांट्स की वजह से होता है, जो अपना जूस हमारे या तो ब्लड में सेक्रीट करते हैं या फिर क्या करते हैं, हमारे खाने में करते हैं, जैसे कुछ ऐसे ग्लांड पेप्सिन है, ट्रिप्सिन। तो कुछ ग्लांड ऐसी भी हैं जो अपना कुल्हड़ से लुढ़काती हैं, बाई जूस है, बाई जूस वो ब्लड में ना होकर के किस में करती हैं, हमारे अदर देन ब्लड, चाहे वो खाने में करें या कुछ भी करें। कुछ सलाइवा है वो भी ब्लड में नहीं हो रहा है, माउथ में हो रहा है। तो इस तरीके से जो भी दो तरीके की ग्लैंड्स इसमें शामिल है, एक कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी कौन सी होती है, ग्लैंड का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में कुछ कुल्हड़ लगे हुए होते हैं और उनमें जूस बना होता है, वो अपने जूस को लुढ़का देते हैं, टंग पे भी होता है, हर जगह। समझ आया, सो इफ समथिंग इज देयर तो उसमें से कुछ ना कुछ जूस लगा, जैसे पेप्सिन है, दैट इज ग्लैंड। ग्लैंड में जूस भरा है, हर जगह होती है, जैसे हमारे स्टमक में भी पूरा ही स्टमक की लाइनिंग है, उसके वो ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, उसमें पेप्सिन हो गया, HCL हो गया, ये सब सेक्रीट होते रहते हैं। पैंक्रियास भी ग्लैंड है, मुंह में भी सेलिवरी ग्लैंड्स है, तो उनसे सलाइवा सेक्रीट होता है। जब कभी भी एक रोटी ले जाओ तो कुत्ते के मुँह से ऐसे लार टपकती जिसमें पानी बह रहा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स का मतलब है कि जो भी देयर आर सम टाइम्स ऑफ हार्मोन विच गिव्स अस अ बैलेंस ग्रोथ। हार्मोन्स का मतलब कि ट्यूटरी ग्लैंड है वो हमें ग्रोथ दे रही है, हमारे बैलेंस ग्रोथ के लिए, डाइमेंशनल ग्रोथ भी दे रही है, हाइट वाइज भी दे रही है। तो ऐसा नहीं कि एक हाथ बड़ा एक छोटा है, या फिर डिफरेंट है, तो ये पेड़ की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। सो हार्मोन्स क्या करते हैं, या कभी भी हम इमरजेंसी में होते हैं तो हमारे अंदर एक एडिटिव प्लांट है वो हमें सेक्रीट करती है इमरजेंसी हार्मोन। तो वो क्या करती है कि हमें दौड़ने में सारी हार्ट बीट ये सब बढ़ा देती है, और हार्मोन्स ही हैं जो लड़के को लड़का बनाती है और लड़की को लड़की बनाती है। सो हमारी बॉडी को फिजिकल अपीयरेंस भी देती है, ये बात समझ में आई कि नहीं। नहीं तो किसी भी लड़के को अगर शाहरुख खान के सामने आ जाए तो कहेगा इसमें क्या खास बात है, वो तो क्योंकि, लेकिन लड़की के लिए वही शाहरुख खान पे मर रही है, आप समझे, बड़े से बड़ा डबरा डोर एक सड़क की गंदी कुटिया पे मरता है। क्या क्या क्या
बोला सर क्यों, क्योंकि इट इज हार्मोनल डिफरेंस सर, समझ में नहीं आया जैसे हार्मोनल डिफरेंस की वजह से ही तो हमें दिया करना है, नहीं तो अगर आपसे किसी कोई पूछे भी एक मतलब काली लड़की से भी पूछे प्रियंका चोपड़ा बताओ कैसी सुंदर है, क्योंकि वो क्या सुंदर है और लड़के मरते हैं उसके लिए नहीं, तो अगर ये फिजिकल बॉडी में डिफरेंस ना होता, बॉडी में डिफरेंस ना होता तो कोई किसी की तरह अट्रैक्ट ना होता, तरफ अट्रैक्ट ना होते, अपोजिट की तरफ सब शिवम की तरह होते इतनी बात आपको समझ में आई, तो हार्मोन ही हमें डिफरेंशिएट करता है और डिफरेंशिएट करने की वजह से क्या होता है कि दैट्स व्हाई दिस स्पीसीज इज गोइंग ऑन। बोलो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? एंडोक्राइन यानी जो ऐसी चीजें जो ब्लड में नहीं सेक्रेट होती हैं और जो इसमें है जो ब्लड में सेक्रेट होती है। अरे छोड़ो वो भी मजाक खूब करता, वो बेशर्मी से वो भी करता, तो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अब आगे बढ़े तो द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। मान लो आप कंफर्टेबली बैठे हो और कहीं पर थोड़ा सा आग आ जाए कुछ आ जाए तो आप हट जाओगे। सो चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, हम हट गए ना आपसे तो दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। इसे क्या कहेंगे? स्टिमुली। तो ये बात की स्टिमुली होती क्या? Now, changes in the environment through which organism respond is called stimuli। जैसे stimuli क्या क्या हो सकता है? Fire, हमारे लिए फायर हो सकता है, हीट हो सकती है हम हीट से भागते हैं, कोल्डनेस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। प्लांट के लिए वाटर स्टोरली उसकी जड़ें वहां भागती हैं, अगर प्लांट वहां है और उधर पाइपलाइन जा रही तो नीचे नीचे से जड़ें जाएंगी और पाइपलाइन पे लपेट के फोड़ देंगे। पानी की पाइपलाइन जा रही है ना तो उससे पानी की जरूरत तो वहां से वहां जाएगी, सड़क क्रॉस करके नीचे ही नीचे उसकी रूट और पानी के। यानी बात समझ में आई आपको कि हीट पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन प्लांट किस पर करते हैं? वाटर पर भी करते हैं, ग्रेविटी पे भी करते हैं। जैसे स्टेम ऊपर बढ़ता है रूट नीचे, तो ग्रेविटी पे भी रिस्पॉन्ड है कि नहीं? और बताइए, ग्रेविटी पे भी रिस्पॉन्ड होता है, वही हीट है, चाहे आप सनलाइट कह दीजिए, सनलाइट पे भी रिस्पॉन्ड होता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? सनलाइट पर भी रिस्पॉन्ड होगा और भी बहुत सारी चीजों में, टच पे भी रिस्पॉन्ड है, तभी छुई मुई के पौधों को टच टच में टच पर भी रिस्पॉन्ड होता है, वाटर पर भी रिस्पॉन्ड होता है, ग्रेविटी पे रिस्पॉन्ड होता है, इन सब बातों पर रिस्पॉन्ड होता है। तो हम ये सब क्या कहेंगे, इन सबको क्या कहेंगे बताइए? स्टिमुली। अब देखें सो अब देखिए नाउ द रिएक्शन टू स्टिमुली इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई जिंदा है या नहीं जिंदा है? क्योंकि जो स्टिमुली पे अगर कोई नहीं रिएक्ट कर रहा है तो कहेंगे वो ब्रेन डेड है। बात समझ आई? कहेंगे वो ब्रेन डेड है तो उस कोमा में चला गया, और अगर हम हाथ हटा देते हैं तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि नहीं? एक द रिएक्शन टू स्टिमुली प्रॉपर्टी ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ दिस इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, इतना तो समझ में आया। एंड व्हाई वी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट? फॉर बेटर, व्हिच इज बेटर सूटेड टू अस एंड व्हिच एंश्योर्स दैट वी आर लिविंग बीइंग, हमें जो जिंदा रखे उसके लिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं कि नहीं? मरने के लिए तो नहीं करते हैं,
जो हमें सूटिंग है, हाँ भाई अच्छा ऐसी है, सब यहीं घेर के बैठ गए, इधर देखो इधर कोई नहीं बैठा, तो इसलिए कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन क्यों है। और अगर मान लो इसी में कुर्सियों में कांटे लगे होते हैं तो कोई बैठता, हाँ अच्छी कुर्सी एक गद्दे में आराम से बैठेंगे, तो वी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर अवर सर्वाइवल, ठीक है। और सर्वाइवल करेंगे तो हमें स्टिमुली पे रिएक्ट भी करना पड़ेगा, बेटर स्टिमुली के लिए हम पॉजिटिव हैं और जो हमारे लिए एडवर्स स्टिमुली है उनके लिए निगेटिव है, हम उससे रिपेल होते हैं। स्टिमुली का मतलब ऐसी चीज जिस पर हम रिस्पॉन्ड करें, अगर सही हीट या टेम्परेचर है तो हम पॉजिटिव हैं, और हीट बढ़ती जाए तो हम भाग जाएं। तो इस तरीके से स्टिमुली है उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो फेवरेबल स्टिमुली सही क्या निकाले तो खा लेंगे, और अगर एचसीएल डाला जाए तो हाथ हटा देंगे। तो आप समझ गए कि नहीं? तो हम हाँ स्टिमुली का मतलब है उद्दीपक, यानी आपको जो उस जब आप में उद्दीपन उत्पन्न करते हैं तो उद्दीपक कहलाता है, तो जो आपको विच टेम्प्ट यू टू रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुली। इफ अ नीडल इज पिंच्ड इन योर लिम्ब देन यू विल ठीक है कीप योर हैंड अवे फ्रॉम दैट नीडल। सो ये एक तरीके से जो नीडल हो गया क्या वो स्टिमुली नहीं हो गया? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हीट हो गया कुछ हो गया वो स्टिमुली, और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उन्हीं चीजों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। रिस्पॉन्ड दो तरीके से हो सकता है, एक है इमीडिएट रिस्पॉन्ड, एक है इमीडिएट रिस्पॉन्ड, एक है स्लो रिस्पॉन्ड। अब जैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है या ग्रोथ होती है, ये धीरे धीरे होती है, ये इमीडिएट नहीं होती है, तो इसलिए ये जो हार्मोनल सिस्टम है पहले ब्लड में जाएगा, घुलेगा, फिर घुलने के बाद इसमें 10 मिनट भी लग सकते हैं अगर हमें भागना भी है, और एक है टच हुआ हाथ हटा दिया तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड के लिए भी सिस्टम है, और दूसरा कैसा है स्लो रिस्पॉन्ड के लिए। मान लीजिए हम घूमी है तो कुछ हमारी बॉडी में इस तरीके से होगा कि ऐसे कुछ ग्लांड्स हैं जो डोपामाइन या इस तरीके से कुछ ऐसी हैं जो हमें सूदिंग इफेक्ट देती हैं, हमको हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अप करती हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसे डोजेस दिए जाते हैं कि आदमी सिंक हो जाए, अंदर ही अंदर ग्लूमी हो जाए। सो देयर आर जैसे एफ्रीमिडीन, तो दोनों तरीके के हैं, तो हमारे बॉडी का बैलेंस बना रहे, टेम्परामेंट सही रहे, उस तरीके के भी रहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें नशे की चीज़ें हैं जो हम लोग नारकोटिक्स कहते हैं, तो वो हमको सिंक कर देती हैं, हमारे मोटिवेशनल लेवल को कम कर देती हैं। सब ब्रैकेट क्लोज ना हो गया। अब देखो यहाँ तक बात हो गई, द रिएक्शन टू स्टिमुली इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग। अब आगे देखिए, द वेरियस वर्किंग टूगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसको लिखिए कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, दैट इज द वर्किंग टूगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स in of an organism in systematic manner तीन प्रकार से सभी अंगों का आपस में मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे के साथ सहयोग करना, so as to produce प्रॉपर रिस्पॉन्स होते तो मैं कह रही हूँ ये पागल है, देखो आप की ओर बोला जा रहा है, दूसरे भाग रहे हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स भी देना, यानी कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्टिमुली के प्रति हमें जैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और कोई उधर जा रहा तो हमको उसको बोलेंगे कि नहीं, वो सही नहीं, प्रॉपर रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट्स क्या करते हैं,
ओरिएंट टू स्टिमुलस, स्टिमुली एक प्लूरल और स्टिमुलस सिंगुलर है, बस यही है सिंगुलर। सो इन अ वेरी लिमिटेड मैनर, अगर आप कुछ करोगे प्लान के पास तो जल्दी से भाग तो नहीं जाएंगे, थोड़ा झुकेंगे, सूरजमुखी पूरे दिन में झुक पाता है कि नहीं। सो इन ए वेरी लिमिटेड मैनर, अब देखें सर प्लान कई बार क्या होता है कि प्लांट में रिस्पॉन्ड उतना तेज नहीं, आप भाग सकते हो दौड़ सकते हो, उनमें लोकोमोशन ही नहीं पॉसिबल है। ये कई लोग तो बहुत सालों तक यही नहीं समझ पाए कि प्लांट जिंदा होते भी हैं कि मृत हैं। वो तो क्या कि जगदीश चंद्र बसु ने दिखाया कि प्लांट करते हैं ये इस तरीके के मूवमेंट्स को, इसलिए वो जीवित है, समझ में आई बात की नहीं। तो इसलिए लिमिटेड मैनर में प्लांट करते हैं। अब आगे देखिए, नाउ वी आर कमिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। सबसे पहले हम प्लांट के बारे में, एंजाइम भी होते हैं जो खाना पचाते हैं, प्रोटीन किसी भी सेल की बॉडी बनाते हैं, सब ऑर्गन बनाते हैं वो भी होते हैं, और तीसरी चीज क्या होती है प्रोटीन की, वो हार्मोन भी होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट भी देते हैं, जैसे हम लोगों में डायरेक्शनल मूवमेंट देते हैं। तो इसमें प्लांट हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन। अब बताओ क्या होगा, अब जब इसने सन को देखा तो क्या इधर की ओर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, ये ऐसे ग्रो कर जाएगा। अब इधर जिधर ऑक्सीजन उधर मूव कर जाता है, इधर शेड होती है, मूव कर जाता है। और फिर अगर मान लो सूर्य उधर चला जाए तो इधर मूव कर जाएगा, फिर ये इधर मूव जाएगा, जहां तो ये ग्रो हुआ कि नहीं, सनलाइट स्टिमुली होगा ना इसके लिए, बात समझ में आई कि नहीं, ये ग्रोथ हुई कि नहीं, ये ज्यादा मुड़ गई। तो इस तरीके से ये जो फ्लावर है सनलाइट इसके लिए स्टिमुली हो गया, और ये इसका ग्रोथ मूवमेंट है, ये कैसा मूवमेंट है, ट्रॉफिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। तो
इस तरीके से ट्रॉफिक मोमेंट है और ये फोटो ट्रॉफिक है क्योंकि ये लाइट के लिए हो रहा है, तो ये क्या हुआ? फोटो ट्रॉफिक। अब आगे देखो, मान लो सन इधर चला गया, तो सन के इधर जाने से क्या हुआ? तो अब ये इधर चला जाएगा, ये प्लांट लंबा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तो ये अब ऑक्सीजन मूव्स टू दिस साइड, क्या चीज है? ऑक्सीजन मूव्स टू दिस साइड, और जहां ऑक्सीजन होगा ये शेड एरिया है, वही ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये शेड है और ये ग्रोथ होता है। शेड सन की लाइट जहाँ नहीं है, जहाँ धूप ना पड़ती हो ऑक्सीजन वहां चला जाएगा। तो पहले जब धूप इधर पड़ी थी तो ऑक्सीजन वहां चला गया, और फिर ये ग्रोथ हुई। ग्रोथ है प्लांट की, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, जहां जहां ग्रोथ होगी वहां वहां होगा। तो अब इस तरीके से जो सन फ्लावर में है, तो जहां शेड है वहां वो चला गया और ग्रोथ कर दी, वो चला जाता शेड की तरफ, तो जिससे कि प्लांट को ज्यादा धूप मिले। अगर तुम्हारे घर में भी प्लांट है तो वो निकल के बाहर खिड़की से वहां चला जाएगा, ऑक्सीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो काम करेगा, शेड में रहेगा, बढ़ाएगा, तभी तो उधर जाएगा प्लांट, झुकेगा धूप की ओर, तो इस तरीके से झुक जाता है। समझ आई बात कि नहीं? प्लांट नीड्स, उसकी जो लीव्स हैं या कुछ भी है फ्लावर, इट नीड्स सनलाइट, तो उसके लिए ऑक्सीजन को ऐसा करना पड़ता है। और धूप की तरफ रहे तो उधर झुक जाए, धूप से तो हट नहीं सकता ना प्लांट, धूप की ओर रहना चाहिए उसे ना, तो ये तभी ग्रोथ है, सो दैट इट इंश्योर्स द मैक्सिमम। तो हमारे पास जो ट्रॉफिक मूवमेंट है वो क्या है? क्या वो डायरेक्शनल मूवमेंट है? और क्या वो ग्रोथ मूवमेंट है? तो क्या ये पांच प्रकार के हैं? फोटोट्रॉपिज्म, अगर लाइट के प्रति ये अपना रवैया कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। और क्या इसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है या निगेटिव? क्योंकि ये ओर जा रहा है, ये धूप की ओर जा रहा है कि धूप से दूर जा रहा है? सर ऑक्सीजन तो धूप से दूर जा रहा है। ऑक्सीजन से मतलब नहीं, प्लांट की बात करो, हार्मोन तो जो कराएगा कराएगा, प्लांट का किसा मूवमेंट है? धूप की ओर तो पॉजिटिव हुआ। अच्छा बताओ, जो स्टर्न होती है वो पानी की ओर जाती है कि पानी से दूर? पानी से दूर। तो उसमें निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हुआ कि पॉजिटिव? निगेटिव। और रूट्स में हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी के लिए क्या बोलोगी? हाइड्रोट्रॉपिज्म। बोलो बात समझ में आ गई? इसी तरीके से कीमोट्रॉपिज्म, अगर तुमने न्यूट्रिशन डाला तो कुछ केमिकल्स के लिए उसमें पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है, न्यूट्रिएंट्स को जाएगी जड़ें, और जबकि स्टेम से कोई लेने देना नहीं है, तो स्टेम जो है इट इज न्यूट्रल टू कीमोट्रॉपिज्म। स्टेम को क्या लेना देना न्यूट्रिएंट से? ये जिम्मेदारी तो रूट्स को सौंपी गई है। तो अगर मैं पूछूं स्टेम्स में है कैसा कीमोट्रॉपिज्म है, तो बोलो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, क्योंकि ना उसे केमिकल से कोई लेना देना ही नहीं। स्टेम में कौन सा न्यूट्रो है? न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल। कौन सा है? देखो पांच चीजें देखो पहला क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। क्या है? जियोट्रॉपिज्म। सर स्टेम में हाइड्रो वाला भी मिक्स है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। स्टेम ऊपर जाएगा हमेशा, पानी में भी पड़ी है स्टेम ना, तो पानी से हट जाएगा, उसको पानी में नहीं जाएगा। सर पानी से नेस्टिक तो लेकिन दो स्टेम पानी से दूर जाती है, नेगेटिव है। नेस्टिक अभी बताएंगे ना। सर ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके पांच प्रकार हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। और दूसरा क्या है? सिग्मोट्रॉपिज्म। हाँ टच के जो रिस्पॉन्स, ये देखो ये हमारे पास है एक सहारा और इसके ऊपर एक अमर बेल है, कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा जैसे ये है तो इसको टच की, तो टच करते 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 फिर मुड़ते मुड़ते मुड़ जाएगी। तो ये जब टच की तो ऑक्सीजन बोलो उधर जाएगा जिधर टच हुई कि दूर भागेगा? जिधर टच हुआ दूर भागेगा। करेक्ट।
जैसे इन्होंने कहा दूर भागेगा तभी तो, तो उसकी वजह से ये ग्रोथ बढ़ गई कि नहीं? टच पे नहीं था, नहीं टच पे रहता तो इधर से ग्रोथ उधर चली जाती, भाग जाता है। तो जहां टच हुआ, बोलो हमारा हाथ किधर ग्रो जाता है? जिधर टच है उधर सिकुड़ा है, और ये बढ़ा हुआ है कि नहीं? सो विच आर्क इज लाइक ये सर, ऑक्सीजन तो सनलाइट से बसता है, सनलाइट से भी ऑक्सीजन बसता है और टच से, तो टच है तो बोलो ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया? तभी तो वो उधर से ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो बाहर वाला पोर्शन जब ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो लिपट जाएगा कि नहीं? उसी टच से क्यों बचता है? टच से बच के ऑक्सीजन दूर चला जाएगा, तभी तो उसी के सहारे हमारे ब्रेन बढ़ेगी। लेकिन नहीं तो उसे सहारा कैसे मिलेगा, वो इतनी पतली है। टच का वही चीज टच के लिए भी लागू है, ऑक्सीजन की कई प्रॉपर्टी है। जैसे हम अकेले हैं लेकिन कई चीजों पे अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसका टच धूप के लिए शेड की ओर जाना, और टच के होने पर टच से दूर चले जाना। बोलो वो साइंटिस्ट बताएगा। तो फिर बोलो ये ऐसे होगा कि नहीं? ऐसी कंडीशंस होती पेड़ को जिसमें बेटर सर्वाइवल है वो निर्णय लेगा। यानी अगर मान लो एक अमर पेड़ है, वो अपने ऊपर लौकी है, तरोई है, ये कुछ ऐसे होते हैं जो बल्लवी होते हैं, बल्लवी का मतलब जो चढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? सो ये है उसमें जब भी कहीं टच होता है, टच होने पर यहाँ सीधा है, टच होने पर ऑक्सीजन उधर चला गया, तो बोलो ये ग्रो कर गया, निपट गया है, वो भी ग्रोथ करेगा लेकिन बढ़ तो गया ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ जा रहा है, फिर जहाँ सनलाइट आएगी धूप की ओर देख लेगा, फिर अपना काम कर लेगा। टेस्ट तो पूरे दिन होता है, सनलाइट तो दिन में रहे। तो चेंज होगा ना, वो उधर ही जाएगा जहाँ टच नहीं, और तभी वो उसी पे लिपट जाएगा। अपराजिता वो शंकर भगवान को पूछता है। फिग्मोट्रोपिज्म का मतलब समझ में आया? टुवर्ड्स टच। अब ये देखो उसके पत्तों से आप देखिए, फिग्मोट्रोपिज्म अंतिम क्या है? फिग्मोट्रोपिज्म। अब आगे बढ़े, चलिए इसको ऑक्सीजन वाला नोट किया था कि नहीं? सर ऑक्सीजन वाला ये वाला नहीं बनाया था फिगर। चलो ऑक्सीजन वाला वो भी बना लो, अदरवाइज हम एक एक का बताएंगे आपको। हाँ सर बताओ तो बना देते। दीज ऑल मूवमेंट्स के बारे में हम एक एक करते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि दैट इज टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। तो पहला द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, फोटो ट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स। सर इसका पार्ट है इन रिस्पॉन्स, अभी उसी के बारे में प्लास्टिक का बता रहे, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, उसे क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जो स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म व्हाइल रूट्स शो वो अंधेरे की ओर भागती है। सर वो पानी की ओर, सर कुछ कुछ शो पॉजिटिव
पानी का अलग है, पहले फोटो का देखो, वो अंधेरे की ओर उठ जाएगी, ऊपर नहीं उठेगी। सो पॉजिटिव फोटो ट्रॉपिज्म। आएंगे क्योंकि ऐसे भी होते हैं कि उनको सांस लेने के लिए जब बहुत गीली दलदली जमीन होती है तो रूट में हम लोग कभी कभी गुड़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं, जैसे हवा आती जाए। इफ इट इज नॉट परपोलेटिंग एयर तो ऐसे में फिर वो बाहर भी आ जाएंगे, मड वाली जमीन। हाँ उधर बाहर रहती है। फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगी पॉजिटिव, उसकी ओर जाएंगी। ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या ऐसा आपके बुक में एक फिगर बना हुआ है जिसमें ये चीज दिखाई जा रहा है? आपने जो नोट दिया था बुक में भी देख लो, वही है तो बुक में भी वही फिगर बना हुआ है कि प्लांट शोइंग फोटो। देखो ये वाला फिगर 7.5 फिगर दिख रहा है बेटा? बुक है आपके पास शिवम? नहीं है तो इस तरीके से 7.5 फिगर देखो, पेज नंबर 121। नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोफिजम। नाउ जियोट्रॉपिज्म सेकेंड इज, नहीं वो ग्रेविटी है। देखो आपको अगर खराब लगता है ना बेटा शिवम तो फिर हम मजाक आपको लेकर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बुरा लगता है, ठीक है फिर आप भी हमें लेके मजाक मत करो तो एक समय पता सा हो जाएगा, है नहीं बात की नहीं। अब ये बोलना टीचर को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के आए हो क्या, ये सब अच्छा लगता है क्या इतने 50 ईयर्स के में? अच्छा नहीं। अब आप थोड़ा सा आप भी टीचर करो, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि अब ये गजेंद्र को कितना बोलो ये बिल्कुल हरपन मौला है, मजेदार लड़का, इसको कितना बोलो ये खुश हो जाता है। वो चीज अब क्लास का माहौल भी हल्का रहता है जब बात आपस में की जाती है तो उसमें सभी का नंबर एक एक करके आएगा। ऐसा नहीं है, आ सकता है, आ जाता है। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, तो आप बुरा नहीं मानते। हमने देखा है कि किसी चीज पे बुरा किसी नहीं मानना क्योंकि सबको मालूम है आप लोगों के बीच में क्या छिपा है, एक ही क्लास के हो, क्या कुछ छिपा है नहीं। या किसी के बोलने से कुछ हो जाता है क्या? सबको तो कोई दिक्कत नहीं है। जियोट्रॉपिज्म, ठीक है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। द मूवमेंट, इसका भी फिगर बना, नेगेटिव पॉजिटिव प्लांट्स इन रिस्पॉन्ड, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स लिख लो क्योंकि पूरा प्लांट तो कभी नहीं चलता है। पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। सो इट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि ये बताओ ग्रेविटी की ओर कौन जाता है? रूट्स। रूट्स मूव टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। व्हाई? स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बिकॉज दे मूव्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो स्टेम मूव्स, इसका भी फिगर बुक में जरा देखो। जैसे इसमें स्टेम ऊपर जा रही है कि नहीं, तो स्टेम ऊपर जा रही ग्रेविटी के अपोजिट, अगला फिगर है। सो स्टेम मूव्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी। सर अगर कोई पेड़ से जिंदा है लेकिन नीचे गिर गया तो फिर उसे उठा के लगा देंगे। स्टेम मूव्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी एंड शो नेगेटिव जीरो नेगेटिव, अगर उसकी ओर ना जाए तो नेगेटिव है। सर पर जो सर क्रीपर होता है ना जैसे कद्दू का वो, और वो तो सही तो बोल रहे हैं। हाँ वो तो सर ग्राउंड पे रहते हैं, वो तो उठते नहीं है ऊपर को। ना उठे तो मान लीजिए क्रीपर है वो उठ नहीं सकते, उन्हें कद्दू को जन्म देना ऐसे तो उसमें कोई बात नहीं है। फिर भी जो स्टेम वो जमीन से ऊपर है जितना उठ सकता है वो उठेगा। नहीं
नहीं उठता, वो तो जमीन पर रेंगता रेंगता जमीन पर रेंगते हुए बहुत सारे रेंगते हुए हैं, लेकिन एक इन जनरल बात की गई है यहाँ पर, जो उठ सकते हैं जिसकी इस टाइम उठ सकती है वो उठती है ना। पर सर ये तो फिर जियोट्रॉपिकल, तो ऐसे अगर कुछ ऐसे हैं जो क्रीपर्स हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन वास्तव में जो जनरल इन जनरल आप प्लांट में देखते हो स्टेम और रूट का बिहेवियर, उसकी रूट अंदर जाती है, मान लो अगर वो ऊपर नहीं जा रहा है तो कह देना न्यूट्रल जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, और क्या कह सकते भाई ऊपर नहीं गया तो कह देंगे न्यूट्रल है जियोट्रॉपिज्म है ना, उसे ऊपर उठना चाहिए था। तो ये नहीं, उसको क्या उठना चाहिए था, उसका तो नेचर ही वही है। अगर मान लो हम ऐसा करें उसको नेचर ऐसा है तो वो कुछ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो न्यूट्रल जियोट्रॉपिज्म को लेके वो इंसेंसिटिव। और पोटैटो, पोटैटो तो स्टेम होकर भी जमीन के नीचे रहता है, पोटैटो का जो ट्यूबर है उसके लास्ट एंड के रूप में एक फूल जाता है वो चीज। नहीं नहीं नहीं, प्याज स्टेम है। नहीं नहीं, स्टेम ग्रेविटी के अपोजिट जाती है, पर जो पोटैटो होता है वो भी स्टेम है पर वो जमीन के नीचे रहता है। पोटैटो एक ट्यूबर है जो उसके रूट्स का एंड पॉइंट है ना वही फूल जाता है, उसकी जो इस तरीके से एक टैप रूट होती है और दूसरा एडवेंचिशियस रूट्स, तो उसमें एडवेंचिशियस रूट्स होते हैं, बहुत सारी जड़ें होती हैं, उसका एंड पॉइंट बस फूल जाता है, फाइब्रस। हाँ फाइब्रस। अब जरा देखो सो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, स्टेम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, अब रूट्स क्या करते हैं आगे देखिए, रूट्स शो पॉजिटिव, क्यों शो करते हैं ये भी लिख देना, एज दे मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एज दे मूव, और ऊपर में क्या लिखना, अवे फ्रॉम ग्रेविटी इज मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, और इसका फिगर भी बना देना है, इन सब चीजों के फिगर आप बना देना। सर ने कहा था कुछ कमरे खुलेंगे फिगर बना के, तो फिगर जैसे मान लीजिए ये देखो फिगर के भी मार्क्स हैं, ये सारे प्लांट आपको दिख रहे हैं क्या, इसमें फोटो ट्रॉपिज्म है सब उधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। अगर इसका हम लोग वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो दिखाएंगे आपको, ये कौन से सर फोटो ट्रॉपिज्म, ये सही है तो ये दोनों फिगर आप खुद बना लेना, हम नहीं बना रहे हैं, बट यू कैन मेक इट, प्रैक्टिस कर लेना इसके नाम से। अब जरा देखो ये देखिए ना, एक छोटी सी सीडलिंग मोमबत्ती जला दी उसने भी इधर आके, छोटी सी सीडलिंग सर दिखाइए सर, बस ये पौधा किसका है, एक है ये पता नहीं दिखा नहीं है लेकिन वो भाग उधर ही रही है, तो आप मोमबत्ती जलाने जलाने तक बात नहीं तो और क्या करें। सो थर्ड इज ओके, सो थर्ड इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्लांट, वही सब बात लिखनी है, इन रिस्पॉन्स टू वॉटर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वॉटर। अच्छा बताओ स्टेम क्या शो करता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी में डालोगे तो ऊपर स्टेम उठेगा और रूट नीचे जाएगा, पानी की ओर जाएगी कि नहीं, और अगर तुम्हारा पानी इधर है तो ये देखो इसका फिगर, ये देखो ये है, और इस कटोरी में पानी डाल दो तो इस कटोरी में पानी डाल दो, यहाँ एक प्लांट लगा दो तो इसकी जड़ें इधर आ जाएंगी, ये तो पता है क्या पता, तो है कि नहीं, और वो दूर जा रहा है,
नेगेटिव शो करेगा, पानी अगर होगा तो पानी से बाहर आएगा। और ये रूट क्या करेगा, पॉजिटिव हाइपरटॉक्सिन। नेक्स्ट देखिए, नाउ इसके अलावा चौथी चीज क्या है, थिकमो। थिकमस का मतलब टच, बोलो मतलब ये अगर तुमने यहाँ पानी रखा, इसे पानी मत दो प्लांट, इसको रेत में रखो और इसमें पानी डालते रहो, एक कूलर में साइड में पानी डाल दो तो वो उसके आसपास निपट जाए। जब इस प्लांट को निकालोगे इसके रूट्स इसमें निपटी हो। सर आपने कहा इसको सर मिट्टी का बर्तन लेना है, दिया ले दो, उसी में कोई थोड़े में पानी डालते रहो बस एक ही जगह में, तो वही सब रूट्स जाएंगे कि नहीं। चौथा क्या है, नेक्स्ट वन इज थिक्मो ट्रॉपिज्म। इसीलिए शायद नीचे जाती होगी क्योंकि ज्यादा नीचे में पानी है कि नहीं। कहीं कहीं राजस्थान में तो ऐसा बबूल और कीकर के रूट है कई कई मीटर तक नीचे, तो जब उनको पृथ्वीराज चौहान को कहा गया कि वहां एक मलखंब होता है कि उखाड़ो जमीन में डाल, तो जब मतलब उनको जो राजा थे तो मलखंब जमीन में खंबा खड़ा उखाड़ दो, तो खंबे जैसा बना दिया था लेकिन था वो पेड़, तो जब उसकी रूट उन्होंने उखाड़ी तो जितना तना था उससे भी लंबी रूट, धोखा देने के लिए कि खंबा है, खंबा नहीं था उन्होंने, लेकिन तब भी ताकत लगा के पेड़ ही उखाड़ दिया। सर अपने हाथों से ही, हाथों से इतना मोटा पेड़। कन्नौज की संयोगिता और फिर जो जयचंद था ना वो देश का गद्दार निकला, वो मोहम्मद गौरी के साथ मिला, उसी से भारत में मोहम्मद गौरी के साथ उन लोग का कहेंगे। आगे देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा होता है कि ये प्लांट है और प्लांट में निकलने वाले जो टेंड्रिल्स हैं वो उधर जाते हैं जहां कोई सपोर्ट होता है, मान लीजिए कहीं कहीं सपोर्ट है किसी दूसरे प्लांट का तो वो उस पर चढ़ जाएंगे, तो ये दूसरा प्लांट है और उसमें जैसे बरगद का पेड़ है उसकी ओर चढ़ना है टेंड्रिल्स की ओर, ये टेंड्रिल्स हैं। सर ये समझ में नहीं आया, मतलब टेंड्रिल्स का मतलब है कि उसकी लताएं जो गोल गोल घूमी घूमी होती है ना तो वो कहाँ जाएंगी जो घूम रही है, वो जिससे टच कर गई तुरंत ही निपट गई। सर पर ये डायग्राम क्या बनाया, डायग्राम बताया गया है कि बड़ा पेड़ है तो कुछ भी अगर छोटा प्लांट है तो वो सपोर्ट लेके बढ़ता है, या फिर आप ये देख रहे हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसी पर घूमा हुआ बना दो तो भी ठीक है, ये प्लांट है मेन प्लांट और जो दूसरा प्लांट है क्या वो इसके चारों ओर बढ़ रहा है, तो इसमें आप ऐसे दिखा दो कि ये ऐसे बढ़ता जा रहा है,
सो इट इज ड्यू टू वॉट एवर मे बी द रीजन. फिर यहां से ये जो चीजें हैं इसमें क्या दिखाया जा रहा है, फिर इसकी इसकी भी अपने लीव्स हैं, टेंड्रिल्स और साथ में इसमें से टेंड्रिल्स भी निकल रही, वो मौका ढूंढ रही हैं और ऊपर में जाके टच हो जाती हैं, सब टच हो जाएंगी वो और बढ़ेंगी, फिर उनकी और भी शाखाएं निकलेंगी. सो दीस आर टेंड्रिल्स, ठीक है कि नहीं. ये अगर किसी को टच कर जाएंगी तो मान लो तुम्हारे घर में कपड़े का तार है तो ऐसे लिपटी होंगी ना टाइट में जैसे किसी ने कस के बांधा. कभी ऐसा देखा है किसी तार में या जाल होती है उसमें लिपट जाती है बड़ी तेजी से, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है. सहारे से उनको चाहिए कि एक सपोर्ट मिलता जाए जैसे वो फैलती जाए, उनमें इतनी शक्ति नहीं होती उनके इस टाइम, और उनके इस टाइम हरे होते हैं इसलिए. ऐसा होता है और रूट का ऐसा कोई थिकनेस नहीं क्योंकि जमीन में क्या सपोर्ट चाहिए तो मिट्टी के अंदर जाना है. सो स्टेम ऑफ जैसा होता है क्लाइंबर्स ना, प्लांट होते हैं शो पॉजिटिव थिक्मोट्रोपिज्म नेक्स्ट देखिए वो ग्रोथ नहीं है, वो बंद होने वाले नहीं दिखे जाएंगे, टच है लेकिन इसके साथ ग्रोथ है, इसमें ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ है, वो वॉटर की वजह से है ना. वो टच मी नॉट इसमें नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो नेस्टिंग मोमेंट, वो ग्रोथ मोमेंट नहीं है. पानी के शिफ्ट होने की वजह से छूने से इलेक्ट्रिसिटी आई, अब पानी शिफ्ट हो गया फिर पानी वहां आ गया, वो अलग से बताएंगे, वो अभी हम बता ही नहीं दे. आप ये समझ गया ना, ये ऑक्सीजन रिलेटेड है, टच है लेकिन बढ़ रहा है ना, इसके अंदर टच कर रहा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन चला जा रहा है और फिर वो उसको ग्रोथ दे रहा है. एक ऐसा क्वेश्चन है रूप में ऑप्शन वाला तो ऊपर है. अब नेक्स्ट देखिए टाइम का आपका, ठीक है. सो द डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट, ये देखो कि यहाँ पर ये मोमेंट सनलाइट पड़ी दूसरी तरफ शेड में ऑप्शन चला गया और ग्रोथ कर गया सही दिखा, और जब तक सनलाइट ऊपर थी तो क्या ऑप्शन पूरे में फैला हुआ था, क्या बोल रहा जब सनलाइट ऊपर थी तो पूरे में फैला था, ऑप्शन है क्या एक और, हाँ जब सनलाइट इधर है तो क्या शेड में चला गया, नहीं गया वो प्लांट मारे जा सके, कोई बॉल नहीं होता है, जिन जिन में गया वो आप जी पूरे में सन ऊपर पूरे में और फिर जब सन इधर है तो शेर में गया शेर में रहे तभी तो बंद हुआ. अब देखो फिफ्थ बता दे फिर इस क्वेश्चन को लिखा है हाउ ग्रोथ मोमेंट टेक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अच्छा अब पांचवी दांत है इमोट्रोपिज्म,
केमिकल कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है कि द रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू केमिकल स्टिमुलस, द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट जिनके प्रति ये कर रहा है केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि ये कहा जा सकता है कि पॉलन कभी भी, ये आपको मालूम है कि ये जो पॉलन है इसके ऊपर शुगरी सब्सटेंस है, ये स्टिग्मा है, ये पूरा कार्पेल है, यानी अगर एक फ्लावर है तो फ्लावर का जो पॉलन है झुक जाता है, जो झुक जाता है इधर, तो ये तो तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो जितने भी पॉलन वेन है वो कहाँ, ये पॉलन सैक है तो वो उधर झुक गए कि नहीं। इसमें मेल वाला कौन सा होता है, ये पॉलन में होता है भी लिख सकते हैं या पिस्टल, दोनों नाम है। ये देखो ये स्टेमन है, स्टेमन में ये फिलामेंट है और ऊपर क्या है ये देखो हमारा कहने का मतलब है कि बेंडिंग ऑफ पॉलन सैग टू शुगरी सब्सटेंस और स्टिग्मा। शुगरी क्या है, शुगर, उसके ऊपर शुगर अट्रैक्ट कर, समझ नहीं आ रहा, समझिए केमिकल पड़ा हुआ है जो इसमें एरोमा है, इसके ऊपर शुगरी सब्सटेंस है क्या बीच में, ये बीच में फीमेल पार्ट है जो प्लांट का फ्लावर है उसमें ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वही फ्रूट बनेगा, ये बाकी सब चीजें गिर जाएंगी वैसे फ्रूट बन जाएगा। ये तो मेरे को बता सर, वो साइड में होता है ये दोनों ना, और कभी किसी प्लांट पे देखा है कि उसमें बहुत सारे बीच में एक प्लांट पार्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेक्शन, आप इसमें देखो ना अपने बुक में सेक्शन ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर ये है सेकंड में, हां सर ये रहा, चलो 135 देखा आपने ना, तो अब आप इसे ऐसा ही तो होता है फ्लावर 134 निकालो, ये तो दूसरे चैप्टर में है, दूसरे में है, लेकिन वो समझने के लिए सही है क्योंकि कीमोट्रॉपिज्म में क्या है, बेंडिंग ऑफ पॉलन सैक टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, बोल बात समझ में आ गई, टू शुगरी सब्सटेंस ऑफ ये फीमेल पार्ट, सो बेंडिंग स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चाहे जिसे नाम याद रहे तो कार्पेल या पिस्टल की ये है। ये है। आप चाहे ये तो ज्यादा अच्छा नहीं,
हिबिस्कस इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हिबिस्कस में उसके जो स्टेमन है उसकी लेंथ छोटी होती है, तो जिसमें बड़ी होगी उसी में झुक पाएगा, और छोटे क्या झुकेंगे। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स प्रोडक्ट जो नुकसान पहुंचाएगा ना एसिड की तरफ अटैक करेगा, जो उनके लिए फर्टिलाइजर है बस उसी की तरफ अटैक करेगा। पिस्टल ये पूरा है, इसको क्या कहा गया स्टिग्मा, और इसको बीच वाले की जो नेक है क्या उसे स्टाइल कहा गया, और नीचे वाले को ओवरी, तीनों मिला के फीमेल एग है। ये पॉलन सैक, इसे पॉलन भरा है, सैक का मतलब थैली। ये एम्ब्राइशियम है, ये गाइनाइशियम गिरेगा ऐसा नहीं होता है, जो स्टेमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बहुत सारी स्टेमेन घेरे हुए, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है और बाकी मेल बहुत। आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से हमने क्या देखा, ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म के पांचों टाइप देखी है। अब वी विल सी कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है, कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है पॉलन सैक, बेंडिंग ऑफ पॉलन सैक या बेंडिंग ऑफ स्टेमन, ठीक है, along with pollen sac to the sugary substance present at stigma. Sugary, ये ही नहीं है, ऊपर से हवा में उड़ते हुए जो पॉलन है उनको भी मिला रहे, यही है sugary substance, यही पहुंचो। सर और जो इंसेक्ट्स अपने हाथ पैरों पे वो चिपका कर लाते हैं, वो भी उस sugary substance पे बैठते हैं, उसको पीने के लिए उसके थ्रू वो चला जाएगा आपके अंदर जो पॉलन है। अब देखो नेगेटिव, जब कोई एसिड या हार्मफुल सब्सटेंस है तभी नेगेटिव होगा, और वरना तो प्लांट क्या नेगेटिव होगा, उससे पत्तियां हट जाएं। सर या? तो वाटर में है। सर आप ये चैप्टर वापस नहीं कराओगे ना? नहीं। ओके सर। जो बच्चे उनके लिए कराएंगे, लेकिन उनसे आपको क्या मतलब, आपको पूरा करा रहे हैं तो फिर हम कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। सर फरवरी में तो एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम भी चलते रहेंगे, सिलेबस भी चलते रहेंगे। बोर्ड के बाद तक भी होता रहता है हमारे सिलेबस। सर मतलब सर अपने एक से पहले कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे अभी हो रहा है ना, आपके मतलब का हो रहा है हमेशा आपके मतलब का होता रहेगा, जो भी एग्जाम होगा वहाँ तक हम मीट करा देंगे, फिर से खुल जाएगी किताबें, जब भी वो बोर्ड तक होता रहेगा। अभी से क्या जब होगा तब कराएंगे, अभी से क्या।
चलो आगे की बात करते हैं ना। नेस्टिक मोमेंट जो मैडम ने बताई थी कि प्लांट्स में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक ट्रॉफिक मूवमेंट और दूसरा नेस्टिक मूवमेंट। तो हम लोग आ रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। देखिए ई द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड by direction of stimulus. Sir, top is the movement of a plant part. Sir, थोड़ा छोटा दिखाना ताकि इतने माजर. देख लो, the movement of a plant part. तेरे जो हमने flowchart के अंदर लिखना है. Flowchart के अंदर. Flowchart में जो nesting movement है उसी में लिखना है. The movement of a plant parts, which is non-directional. वो कैसा है बताइए? Non-directional and non-growth movement. ना ही ये directional है और ना ही growth related. Growth भी नहीं होती इसमें. And non-growth. इसमें. यानी अगर इसमें blooming of flower and drooping of flower. फूल का खिलना और मुरझा जाना, जैसे कभी धूप पड़ी तो बताओ धूप में अगर तुमने चने रख दिए तो छोले रख दिए तो फूल जाएंगे और फ्रिज में रखोगे तो नहीं फूलेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस होती है धूप में, गर्मी में ज्यादा तेजी से पानी अंदर जाएगा तो धूप निकली तो बताओ प्लांट जल्दी जल्दी पानी अंदर अपने लेगा तो जो फ्लावर है वो टाइट हो जाएगा, पानी से भर गया टर्जर हो जाएगा। और जैसे ही रात हुई तो ऑस्मोसिस कम हो जाएगी और ढीला पड़ जाएगा ड्रू। तो सर इसमें नेस्टिंग ब्लू ड्रू, समझ आई बात की नहीं? नेस्टिंग तो स्टिमुली पे नहीं होता है, नेस्टिंग तो स्टिमुली पे नहीं होता। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली होगा। अब देखो मतलब उसका ब्लूमिंग वो तो खिल गया है, उससे दूर सूर्य यहाँ हो या यहाँ हो इससे नहीं मतलब है कि वो उधर खिला, बस वो खिल गया है और मुरझा गया, तो उसमें जरूर खिलना और मुरझाना हो रहा है। लेकिन ब्लूम था, दूसरा क्या था? ड्रूप। ड्रूप। तो ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेयर इज द स्टिमुलस प्रेजेंट। समझ आई बात की नहीं? तो चाहे रात की रानी हो, मतलब वो एक फ्लावर होता नहीं है बिल्कुल सफेद चमेली की तरह वो तरह से रहता है। अब जरा देखें हियर द डायरेक्शन सर, कैसे सर उसमें ग्रोथ हो रही है ऑफ रिस्पॉन्स सर, वो रिस्पॉन्स कर रहा है वो ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर। एग्जांपल क्या है सर, कैसे सर उसमें अभी समझा रहे हैं, अभी सुनो। ब्लूमिंग एंड एग्जांपल नहीं है, हां ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर ये तो होता है, ब्लूमिंग बाहर की ओर होती है ड्रूपिंग अंदर की ओर होती है। इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, है जरूर डायरेक्शनल, कहते हो कि ब्लूमिंग तो बाहर होती है तो डायरेक्शनल है, लेकिन क्या वो स्टिमुलस कहाँ है उस पर निर्भर करता है। इज डायरेक्शनल मूवमेंट इज एग्जांपल, लेकिन इसमें ग्रोथ तो हो रही है ना? नहीं होती है ग्रोथ तो रोज खिलते जाते हैं अब, लेकिन उससे वो ग्रोथ मोमेंट नहीं है। समझाएंगे अभी आपको समझाएंगे। तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। अभी आपको बताया ऑस्मोसिस रिलेटेड मूवमेंट है, इट इज ए वाटर शिफ्ट मूवमेंट, जब पानी भर जाएगा तो टाइट हो जाएगा, पानी हट जाएगा तो ढीला पड़ जाएगा, वो कह दो पानी हट गया तो ग्रोथ ही बंद हो गई, निगेटिव ग्रोथ हो गई, सब चीज पानी के रिलेटेड है। This movement takes place due to shifting of water. सर अगर रात को या प्लांट्स पौधे में
फ्रॉम दिस वुमन आप जो बोलो हम अपनी तो श्रोता दे रहे हैं, आपका मना नहीं कर रहे हैं लोग। शोला है, शोला हो या किशमिश है, पानी चला जाए टाइट हो जाती है, रेजिन राजमा नहीं हो जाती। अब अगर मान लो फ्लावर है तुम्हारा, मुरझाया फूल है, अब तुम तुरंत उसको ग्लास पानी में डाल दो, क्या खिल जा? देखा है नहीं देखा, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, फिर कैसे खिल जाता? क्या तो इसमें तो ग्रोथ हो गई, तो बोलना ग्रोथ कर जाएगा क्या? पौधे से फिर निकाल के हम पानी डाल लें, वो खिल गया तो ग्रोथ हो गई, वो ऑस्मोसिस रिलेटेड है ना। अब जरा देखें, तो जो नेस्टिंग मोमेंट है ये दो तरीके का होता है, फोटो नेस्टिंग एंड नेस्टिंग मोमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या है फोटो नेस्टिंग और दूसरा है थिग्मो नेस्टिंग। थिग्मस का मतलब टच, मतलब अब जरा सुने, फोटोनेस्टी क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स। सर ये नोट्स में नहीं लिखा है, सर नोट्स तो मिले भी नहीं। ठीक है, नहीं मिला अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है? अब जरा देखो, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट। ओ सर कल सुबह मिले थे, ओ सर कल सुबह आया मेरे साथ। एक बार चेक कर ले, चेक करते सर, बिल्कुल से निकालते हो गए निकालते हैं, मैम निकालती है, फिर मैम को बोलो कहीं किसका है किसान बता ही नहीं पाते हैं, हम तो बाहर देते हैं सर। आप नाम लिखिए आपको, अब उतना नहीं करते हैं, जिसको मिला होगा बोल देगा मिला है, जिसको नहीं मिला होगा चेक कर लेते हैं। अभी देखो, प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, सर वो स्टिमुलस है क्या? अगर लाइट के रिस्पॉन्स में हो तो तब उसे क्या कहते हैं? लाइट के फोटोनेस्टिक। ये बहुत शरारती मोमेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं नेस्टिक मोमेंट। अब जरा देखो, क्या ये फ्लावर की ब्लूमिंग और ड्रूपिंग दिखाई जा रही है? फ्लावर जो रात में खिलते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते हैं इनको निगेटिव फोटोनेस्टिक। ऐसा नहीं कह सकते, देखो इधर दिन में खिला रात को बंद है, और ये दिन में बंद रात को खिला, तो ये नहीं कह सकते कि किसी में निगेटिव फोटोनेस्टी होगी किसी में पॉजिटिव। सर फोटोनेस्टी और फोटो डायरेक्शन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ग्लो और ड्रूप है,
उससे उससे ज्यादा कुछ है. ओके नाउ और देखो अभी फोटो नेस्टी के बारे में बता रही है तो हटाएंगे आपको क्या बताया सर इसके नीचे होनी भाई इसमें कट कर दो एक लाइन इसमें हमने क्या बताया नॉन ग्रोथ वुमेन कट कर यही मैं कह रहा था उस समय है ना पत्ता का सिर्फ नॉन डायरेक्शनल रहेगा नेस्टिक मोमेंट में जो फोटो नेस्टी है वो ग्रोथ मोमेंट है और थिग्मो नेस्टी ये नॉन ग्रोथ मोमेंट मतलब ग्रोथ से लेना देना नहीं है ये ग्रोथ मोमेंट जब पेटल फिरते हैं तो अंदर बढ़ता है और जब वो होते हैं तो बाहर बढ़ता है ग्रोथ मोमेंट है लेकिन नॉन डायरेक्शनल तो दोनों हुए कुछ नहीं बचे नॉन डायरेक्शनल है बस हाँ और कुछ भी ना लिखो ये ग्रोथ मोमेंट है फोटो नेस्टी के लिए और ये कैसा है ग्रोथ मूवमेंट. अच्छा एक और चीज लिख लीजिए ठीक है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड और कहीं हमने लिखा है वाटर प्लांट्स है तो ड्यू टू ये भी अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं ड्यू टू आइदर मूवमेंट ऑफ दिस और ये ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन ये लिखने की भी जरूरत नहीं हम वो अलग से बताएं ये लाइन निकालते मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लांट वाटर शिफ्ट किसमें है वाटर शिफ्ट होगा थिक्मो नेस्टिंग जैसे टच मीना मिमोसा क्यूटिकल उसमें वाटर शिफ्ट है वो भी हम बता रहे हैं. अब देखो यहाँ पे क्या लिखो कि ब्लूमिंग एंड ड्रोपिंग जब ये ब्लूम किया तो अंदर की पत्तियां बढ़ गई क्योंकि धूप बाहर पड़ी तो अंदर बढ़ गई और इस तरीके से फिर वो बाहर पड़ी रात को ठीक है कि नहीं तो लिखो ब्लूमिंग एंड ड्रोपिंग इज ए ग्रोथ मोमेंट नॉन डायरेक्शनल तो है लेकिन ग्रोथ मूवमेंट है कि नहीं बोलो
वाटर का कॉन्सेप्ट अभी आएगा तिग्मनेश्वर वो बता रहे हैं। तो इट इज ए ग्रोथ मोमेंट ड्यू टू ऑक्सीजन, ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन ड्यू टू सर ऑक्सीजन तो अपने उसमें भी होगा, मतलब ग्रोथ से लेना देना नहीं, डायरेक्शन से सिर्फ मतलब। अब जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये अगर सनलाइट ऊपर है तो फिर पूरे में ऑक्सीजन है क्या? तो पूरे में ये ऑक्सीजन है। अच्छा, और जिस समय सन इधर चला गया सर ऑक्सीजन अपोजिट साइड जाते हैं ना, सन यहाँ गया उस समय ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया? किस चीज का प्लांट है? कोई भी प्लांट हो सकता है। ऑक्सीजन का रोल बता रहा हूँ, ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकिनिन और एफसीसी कैसे चार तरीके के प्लांट हार्मोन है। अब हम उन चारों के पर्पस लिखेंगे, पहले पर ये प्लांट कौन से अलग अलग टाइप के एंड्रोक्राइन इंसुलिन वो सब अलग है, अभी एनिमल पे हम आए नहीं है। सर ये कौन सा प्लांट होता है बोलिए बेटा, ये कौन सा प्लांट है? ये पिक्चर प्लांट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है पिक्चर प्लांट? हाँ, बात समझ में आई सर? कौन ऑनलाइन प्रतिज्ञा? चलो अब ये ऑक्सीजन है और फिर ऑक्सीजन क्या करेगा जब इधर पर है तो ये ऐसे घूम जाएगा क्या? सर प्लांट तो भी हमारे जैसे दिखता है क्या सर अलग जगह पे? सर्वाइवल है, उसका सर्वाइवल हो गया जिनमें ऐसे कुछ डेवलप हो गए। उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसे धूप चाहिए, धूप से वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसे वहाँ जाना। ब्लूमिंग एंड ग्रुपिंग का है वो ग्रोथ मोमेंट है, ये आपसे तो ये पेटल का है, पेटल का ठीक जाना ये अलग है। हाउ ऑक्सीजन क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाउ ऑक्सीजन शोज ग्रोथ इन प्लांट, तो आप लिख सकते हो कि व्हेन सन गोज ऑक्सीजन गोज टूवर्ड्स द शेड साइड एंड दैट पार्ट ग्रोज मोर देन द पार्ट विच इज टूवर्ड शेड साइड एंड इन दिस वे प्लांट वेंट टूवर्ड्स द स्टेम वेंट्रेशन। ये अलग से क्वेश्चन, ये एक अलग से दिखा दिया जिससे कि छूट ना जाए, बट आपकी बुक में है। आओ ये जो क्वेश्चन है ना कि सन इसी का पार्ट है भले ही चाहे क्वेश्चन के ऊपर लिखा हो, समझ आ रही बात? सन इसी का पार्ट है, ये ना सोचे ना क्वेश्चन नहीं दोनों को पार्टीशन करता है। जब कोई सन नहीं है देन ऑक्सीजन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट, सीधी ग्रोथ हो रही है। तीन नहीं है, ये आया जा रहा है कि सन के मूवमेंट से ऑक्सीजन कैसे चाहिए है। सो ये ग्रोथ मोड ज्यादा ग्रो हुआ है कि नहीं? ग्रोथ मोड एंड बेंड्स टुवर्ड सन, बेंड्स ऐसे ही है, सन की तरफ मुड़ गया धूप उसे मिलेगी। So when there is no sun, then ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन, देखिए ग्रोथ हार्मोन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड है when sun goes to either side. Then the part
से भी कैसे कॉमन समझाता हूँ। चीज अभी बता रहा हूँ सर, मेरे कहने का मतलब है when sun is on either side, then oxygen goes to shady area and that part grows more than the part which is towards sun and in this way plant bends towards sun and जो भी stem है वो क्या करेगी bends towards सन। अब हम अगली बात करते हैं व्हाट इज सिग्मोनेस्टी। सर इधर को वीडियो दिखा दीजिए ना जो आप दिखा रहे हैं। हाँ वो दिखो। इधर को मैं लिख दूँ। हाँ लिख दो। सो परसों आपका किस चीज का पेपर? मैथ। कल तो साइंस पढ़ाओगे सर? मैथ्स के डाउट हो तो आपसे पूछ ही सकता हूं। सर मैथ्स करा दे पूरे दिन, मतलब है ना सुबह भी 9 बजे एक बार मैथ कर रख लें। सर शाम में रख लेना कल पास। हां सर शाम को और सुबह अब सुबह एपी करा लें पूरा जो है। सर आप पूरा क्यों आ रहा है सर? पूरा तो आ रहा है जो मैटेरियल सर की बॉडी में सर हमारा बॉडी में जो मिट्टी आ रही है सर कोऑर्डिनेट मिट्टी की क्लास है ना सर? हम एपी में नहीं आएंगे सर, हमारा नहीं आ रहा एपी नहीं आ रहा। अरे 5.2 का ही आ रहा है सर, 5.2 पूरी करानी है। ओ ठीक है आ जाइए, आपको उससे नहीं होता है। टाइम लैप्स प्रॉफिट मोमेंट। सर आप घर से बना ट्राई करते हैं? नौ तो लीनियर सर इसका कलर कितना अच्छा है।
नीचे जा रही है लिखा
जिस दिन